रहीम जी, तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं आज की इफ्तारी में। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज का नया वीडियो आपके लिए हम क्या लेके आते हैं। रहीम जी, तो दोस्तों आज बना रहे हैं मटन का हलीम। ये मटन हमने उबाल करके रेशा रेशा कर दिया। प्याज ब्राउन कर रहे हैं हम जी। तो दोस्तों ये हमने चारों दाल मिक्स करके रखी है पानी में, भगो के रखा हुआ इसको आधा घंटा। रहीम जी, तो दोस्तों हमारा प्याज फ्राई हो गया, अभी इसको हम निकाल रहे हैं, बाकी दोबारा मसाला बनाएंगे इसी में जी। तो दोस्तों अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं ग्रीन चिली। साथ में हमने मटन जो बॉईल करके रखा था वो डाल दिया। ये हम हाली मसाला शामिल कर रहे हैं इसमें। नमक डाल तो बस, ये नमक शामिल कर रहे हैं हम। इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ये। तो दोस्तों इसको अभी थोड़ा भुनाई कर रहे हैं हम। इसमें शामिल करेंगे अभी दाल शामिल। ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें जो दालें भगो के रखी हैं हमने जी। तो दोस्तों मटन हमारा ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह भुनाई हो गया। अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं दाल ये दाल शामिल कर रहे हैं हमने। अभी इसको पकाएंगे, 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे इसको जी। तो दोस्तों इसमें अभी पानी शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाएगी जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हलीम तकरीबन रेडी हो रहा है, पकना शुरू हो गया अभी। और इसको अभी हम हल्की आंच में बना रहे हैं, ताकि दाल जो है ना हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी। जी तो दोस्तों हमारा हलीम रेडी हो रहा है, तकरीबन और 10 मिनट लगेगा जी। तो दोस्तों हमारा हलीम तकरीबन रेडी हो गया। अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं लेमन का पानी। कम से कम हमने 2 लेमन लिए, उसका रस निकाला आप देख सकते हैं। ये रस डाल दिया, लेमन का रस डाला जी। तो दोस्तों ये जो हमने प्याज थोड़ा ब्राउन करके रखा था वो शामिल कर रहे हैं इसमें। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो दोस्तों फाइनली हमारा हलीम रेडी हो गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हलीम बना। ये देखिए जी। तो दोस्तों फाइनली हमारा हलीम रेडी हो गया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे ज़बरदस्त बन गया।